तो मनुष्यों के, हम जो भूलोकवासी हैं, इनके 432,000 वर्ष का क्या होता है, एक कलयुग है। अर्थात ये जो 7 ग्रह हैं, रवि, सोम और शनि तक 7 है ना, ये 7 ग्रह जब एक बार पूरी परिक्रमा करके उसी जगह पहुंचते हैं, इनकी युति होती है, ये कलयुग का काल है, ऐसा हमारे आचार्य कहते हैं। तो ये कलयुग 432,000 मैंने और आपने नहीं बनाए, किसी ज्योतिष आचार्य नहीं बनाए, ये सारी व्यवस्था, जैसे कहा ना, शुक्ल कृष्ण पक्ष में और आपने बना ही नहीं सकते, मास में और आप बना ही नहीं सकते, रात और दिन हमने किसको कहा, जो प्रकृति थी, प्रकृति की व्यवस्था थी, अवस्था थी, उसको देख करके हमने तो नामांकन कर दिया। मित्रों, पिछले कुछ वीडियोस में लगातार आप आचार्य बसंत कुमार जी को, गुरुदेव को सुन रहे हैं, और जिस तरह से वो आयुर्वेद को और लोक जीवन को और शास्त्र को एक साथ साधते हैं, वो आपको बहुत पसंद आ रहा है। और उनके पास बताने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, और हमारे पास भी जो जिज्ञासाएं हैं उनकी कोई सीमा रहती नहीं। तो एक हमारे प्रतिपल के जीवन से जुड़ा एक ऐसा ही विषय है, ज्योतिष का। तो ज्योतिष का जो विषय है उसको लेकर हमारे यहाँ पर दो तरह की धारणाएं हैं। एक तो वो लोग हैं जो ज्योतिष को सिरे से खारिज करते हैं, और एक वो लोग हैं जो उसके अपनी ही तरह से जो अर्थ हैं उनको प्रतिपादित करते हैं। पर वास्तव में हमारे यहाँ पर ज्योतिष की जो परंपरा रही है वो बहुत ही शोधपूर्ण, बहुत ही विस्तृत और बहुत ही वैज्ञानिक रही है। तो आज हमने गुरुदेव से इस विद्या के बारे में, इस ज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करने का एक निवेदन किया है, और हमें वो बता रहे हैं अपने शुरुआती दो व्याख्यानों में कि किस तरह से हमारे यहाँ पर ज्योतिष की गणनाएँ रही हैं, छोटी से छोटी गणना से लेके बड़ी से बड़ी गणना तक। ऐसी गणनाएं हमारे यहाँ पर हैं कि जो अरबों सालों का अपने अंदर संग्रह रखती हैं, और ऐसी भी गणनाएं हैं जो सेकंड के कई हजारवें हिस्से के ऊपर आकर संपन्न होती हैं। और ये सिर्फ कोई ऐसा नहीं है कि समय की सिर्फ गणनाएं मात्र हैं, मैथमेटिक्स की जो कैलकुलेशंस हैं वो ही भर हैं, इसके पीछे मन की और पूरे ब्रह्मांड की स्थितियों का एक विश्लेषण है, उनका एक खाका है। तो बहुत रोचक और बहुत नई तरह की जानकारियों से हमें भरने वाली सब की सब बातें हैं। तो आइए गुरुदेव की ये तमाम बातें सुनते हैं। ऋग्वेद में नासदीय सूक्त है, उसमें सृष्टि के बारे में ऋषि कल्पना करता है, उस कल्पना के आधार पे, और एक है पुरुष सूक्त जिसे हम विराट पुरुष कहते हैं, उस ब्रह्म को, उस ईश्वर को, उस एक अद्वितीय सत्ता को, परम सत्ता को विराट पुरुष का, क्योंकि हम सब पुरुष हैं, तो पुरुषों में जो विराट, ऐसा उसको कह दिया परमात्मा, जिसे जैसे हम आत्मा एक परमात्मा। तो उस दृष्टि से सूक्ष्म चिंतन क्या है, और विराट से विराट वो क्या है, विराट को जानने का प्रयास, ये भारतीय मनीषा का रहा है। लेकिन उसको हम जान कैसे सकते हैं, जैसे हमारे शरीर में नेत्र सारे संसार को देखने का कार्य करता है, ऐसे ही जो संसार है जिसकी उस विराट पुरुष ने रचना की, परम पुरुष ने रचना की, वो विराट क्या है, मैं उसको जान पाऊँ, देख पाऊँ, तो उसको जानने के लिए पहले उसके कृतित्व को जानना होगा, उसका कृतित्व क्या है, उसने किया क्या है, तो कार्य से कर्ता के योग्यता का ज्ञान हो जाता है कि ये कार्य किया है। तो हम कहते हैं ओहो, ये तो बहुत उत्तम कार्य किया है, ये किसी
जो है विशेष व्यक्ति का कार्य है, ये कार्य साधारण नहीं कर सकता। कि जब हम कैवल्य की बात करते हैं, मुक्ति की बात करते हैं, तो वो क्या है, कैसे उस तक पहुंचा जा सकता है, तो उसके लिए विराट तक पहुंचने के लिए विराट की जो सृष्टि है, जो विराट सृष्टि है, उसके बारे में देखो नासदी सूक्त में वेद का ऋषि क्या कहता है, वो भी आश्चर्य व्यक्त करता है। क्योंकि ईश्वर तो अनंत है, अनंत की जो सत्ता है, अनंत के जो कार्य हैं, वो भी अनंत होंगे, तो वो एक आश्चर्य व्यक्त करता है। कहता है कि इयम विसृष्टि यत आबभूव, ये सृष्टि जहाँ से पैदा हुई, यदि वा दधे यदि वा न, तो वेद में लिखा है कि जिससे ये सृष्टि पैदा हुई वही इसको धारण किए हुए है क्या, या मुझे लगता है कि शायद वो धारण नहीं किए हुए होगा, मुझे नहीं पता। और क्या कहता है, यो अस्य अध्यक्ष परमे व्योमन, जैसे हम क्या कहते हैं कि एक राजा है, उसका एक आसन है, उससे सारा चलता है, जैसे विक्रमादित्य का कि राज्य किया करते थे, उनका एक आसन था और वहाँ बैठ करके न्याय ही करते थे, कभी अन्याय सोच ही नहीं सकते थे। तो ऐसे ही परमे व्योमन, परम उत्कृष्ट स्थान पर बैठ करके कहते हैं, जो अध्यक्ष के रूप में विराजमान होकर के कहते हैं, जो ये सब कुछ व्यवस्था देख रहा है, कर रहा है, उसने इसको धारण किया है नहीं किया है कुछ नहीं पता इसका। वेद न वा इति, कहता सो अंग वेद यदि वा न वेद, पता नहीं वो इस सारे को जानता है या वो नहीं भी जानता। अब साधारण सी बात है, जिसने सृष्टि को बनाया उसके बारे में तो वो सब कुछ जानता है ना, जैसे किसी ने मकान बनाया, हम इस मकान में बैठे हैं, तो बनाने वाला सब कुछ जानता है ना कि कहाँ क्या किया है, वो जानता है। लेकिन मनुष्य की जो सामर्थ्य है, चाहे वो ऋषि भी है, त्रिकालदर्शी होते हैं ऋषि, ऋषयः मंत्र दृष्टार, ऋषि किसे कहते हैं, दर्शनात्, जो वर्तमान भूत भविष्य तीनों का दर्शन कर सकता है तृतीय नेत्र से, ज्ञान से, विवेक से, फिर भी उसको नहीं जान पाया। किसके, सृष्टि के जितना भी क्रियाकलाप हैं, ये ब्रह्मांड है, उसकी जो रचना है, तो ऋषि अनुमान से कहता है कि भाई हो सकता है उसको पता हो, हो सकता है सारा न पता हो, हो सकता है ये उसी ने धारण किया हो, उसी ने न किया हो, तो वो अपनी बुद्धि से आश्चर्य व्यक्त कर रहा है, यानी कितनी ये विराट सृष्टि है। तो उसको जब हम जान लेंगे, तब हमें इन संसार की मोह माया से, इन संसार की चीज़ों से, ये माला, ये पद, ये मान सम्मान, ये अखबार में, टीवी में आना, ये प्रधानमंत्री बन गया, ये UNO का बन गया, ये मुख्यमंत्री बन गया, ये मंत्री बन गया, मैं प्रिंसिपल बन गया, मैं DC बन गया, जो भी सांसारिक भौतिक चीज़ें, ये मैंने पा लिया, ऐसा कर लिया, जब हम उस सृष्टि को जान लेंगे, सब कुछ जान लेंगे, तब क्या होंगे, ये चीज़ें हमें तुच्छ नज़र आएंगी, तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। इसलिए कहा कि इस सब को जानो, वेद में लिखा है, यजुर्वेद में, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखम्, सोने के बर्तन से सत्य का मुंह ढका हुआ है। तो सोने का बर्तन क्या है, सोना चमकीली धातु है, अर्थात संसार के ये जो चमकीली चीज़ें जो हमारे इंद्रिय ग्राम को, इंद्रिय समूह को आकर्षित करती हैं, वो सोना है। उससे सत्य, सत्य क्या है, सृष्टि का यथार्थ, सत्य क्या है, सृष्टि को बनाने वाला, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता। जो गीता में कहा था ना, जिस विषय में योगी जागरूक है संसार सोया हुआ है, संसार जिस विषय में जागरूक है योगी उसमें सोया हुआ है, उधर ध्यान ही नहीं देता, वही चीज़ है। तो आज ये संसार जिन विषयों में सोया हुआ है, जिस सृष्टि को नहीं जान पाता, सृष्टिकर्ता को तो जान ही कैसे पाएगा, उस सृष्टि के बारे में एक विहंगम दृष्टि से विचार करते हैं। विहंगम का मतलब जैसे पक्षी घूमता है, मोटा मोटा सा देख लेता है, जिसे आजकल हवाई सर्वेक्षण कह देते हैं, तो विमान भी हवा में और पक्षी भी, विहंगम संस्कृत में कहा जाता है। तो ये कहा, अब हम सबसे छोटी जो इकाई है, सूक्ष्मतम इकाई त्रुटि, सृष्टि की सबसे छोटी इकाई त्रुटि है। हम किसी भी चीज़ को किससे जान सकते हैं, किसी माप से। माप क्या है, सबसे उत्तम काल है। काल किसे कहते हैं, कलयति इति कालः, जो सबको अपना ग्रास बनाता है उसे काल कहते हैं। भगवान का नाम है, ईश्वर का नाम है। तो जो काल है ये भी कालो न याता, भर्तृहरि कहते हैं ना, वयमेव याता, कहते इतना समय बीत गया, अरे समय नहीं बीता, हम ही बीत जाते हैं,
ये चीज़ है। तो ये जो काल है इसको जानेंगे तो काल गणना नहीं कर रहे हम, काल गणना एक क्या है, सृष्टि की जो स्थिति है, व्यवस्था है, उसका मानक है, अवस्थाओं का नाम है। जब हम कहते हैं कलयुग, सतयुग, त्रेता, ये संवत, ये वर्ष, ये घंटा, ये मिनट, ये पक्ष, ये मास, ये ऋतु, ये सब क्या है, काल हमने कह दिया। ये उस विराट पुरुष की ही जो सृष्टि है उसकी अलग अलग व्यवस्था का, अवस्था विशेष का नाम है। तो सबसे छोटी जो इकाई है वो त्रुटि है इसकी, और सबसे जो बड़ी इकाई है वो परांत काल है। तो त्रुटि से परांत काल पर्यंत जो सृष्टि की अवस्थाएं हैं वो हमारे ज्योतिष शास्त्र में लिखी। तो ज्योति मैंने बताया, इसको सूर्य सिद्धांत कहते हैं। ज्योति यानी प्रकाश, जो प्रकाश के पुंज हैं, चाहे वो आकाश गंगाएं हैं, चाहे आकाश गंगाओं का समूह है, चाहे वो सूर्य यानी जिसे हम नक्षत्र कहते हैं, नक्षत्रों के अपने परिवार हैं, उनमें ग्रह हैं, उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, खंड ग्रह हैं, उल्काएं हैं, उसके बाद ये भूमियां हैं, ये भूखंड हैं, ये मनुष्य हैं, प्राणी हैं, उसमें छोटे छोटे करते, तो त्रुटि। तो हम भारतीय जो लोग हैं अब आश्चर्य करेंगे कि इतनी काल गणना, इतनी सृष्टि विज्ञान कैसे पता चला। क्या है, हमारे यहाँ नियम है, जब भी हम कोई कर्मकांड करते हैं, यज्ञ करते हैं, विशेष संस्कार करते हैं, कोई इष्टियाँ करते हैं, तो वहाँ जो है संकल्प मंत्र बोला जाता है, ओम तत्सत ब्रह्मणो द्वितीय परार्दे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे कलियुगे अष्टाविंशति तमे कलियुगे, ऐसा वहाँ है। कभी उसके ऊपर अलग से व्याख्या करेंगे। तो वहाँ सारी ये सृष्टि की अब तक की व्यवस्था बताइए कि ये सृष्टि की व्यवस्था चल रही है, अब हम सृष्टि की व्यवस्था में इस समय चल रहे हैं और आगे क्या क्या होने वाला है फिर उसका भी ज्ञान इससे होता है। तो ये सारा चिंतन हमारे यहाँ कर्मकांड में होता है, वो सुरक्षित रहता है। कालगणना भूलते नहीं हम, और कालगणना नहीं है, जैसे जन्मपत्री है। जन्मपत्री क्या है, ये जो शनि, ये राहु, केतु लोगों को बहका दिया, जैसे इससे आपको लाभ, इससे हानि होगी, ये वो नहीं है, ये जन्म पत्रक है। जैसे कहते हैं ना, कौन व्यक्ति अमुक तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर उस स्थान पर हुआ था, तो ये क्या है, जन्म पत्रक क्या है, ये जो हमारी गणनाएँ हैं ये गलत हो सकती हैं, भूल सकते हैं। जैसे ईसवी संवत है, पहले 10 महीने का था ईसा मसीह वाला, फिर 12 का किया गया, फिर इसमें 11 दिन जोड़े, फिर वो बताएंगे संवत जब होगा तो ऐसे होगा। ऐसे ही हमारे कुछ इस भूमि पर विचारधाराएं ऐसी हैं, उसमें एक है, उसमें केवल चंद्र गणना करते हैं, सौर गणना का उसके साथ समाह उसको नहीं मिलाते, तो उससे क्या हो जाता है कि वो काल गणना त्रुटिपूर्ण हो रही है, क्योंकि सृष्टि जो है वो सौर गणना के अनुसार ही पूरी होती, इसलिए सूर्य सिद्धांत का, चंद्र सिद्धांत नहीं का, वो केवल चंद्रमा पे चल रहे हैं। हमारे यहाँ उसको समाहित कर लेते हैं, चंद्रमा और सूर्य दोनों को, तो उस दृष्टि से कोई गलती नहीं होती। उससे हमें पता चलता है कि सृष्टि कितनी बीत चुकी है, कितनी और होने वाली है, और उससे हमें पता चल जाता है कि अब जन्म पत्र क्या है, कि इस जन्म के समय बृहस्पति वहाँ था, शुक्र यहाँ था, पृथ्वी यहाँ थी, उसको कोई बदल ही नहीं सकता, क्योंकि वो प्राकृतिक व्यवस्था से चल रहे हैं, उससे हमें पता चल जाता है। तो वो जन्म पत्र है, जो ज्योतिष के नाम से फलित किया है उसमें राई को पहाड़ बना दिया गया, फल है, इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, लेकिन जितना वहाँ बना दिया जाता है वो मुझे नहीं जचता। तो ये हमारी गणना वहाँ आती है। अब देखिए, हमारे यहाँ सृष्टि संवत चलता आ रहा है, और एक है कल्प संवत। अब कल्प संवत क्या है, 1,97,000,000,000, मैं नीचे नहीं जाता, 1,97,000,000,000 वर्ष इस कल्प को हो चुके, कल्प की आगे मैं बात करूँगा, 1,97,000,000,000 वर्ष हो चुके हैं, 4,32,00,000,000 वर्ष का कल्प होता है, ऐसा भारतीय मान्यता में कहा है। अब दूसरा उसके साथ चलता है सृष्टि संवत। सृष्टि संवत क्या है, 1,95,000,000,000 वर्ष, दोनों में अंतर है। कल्प संवत क्या है,
जिस समय कल्प आरंभ हुआ। सृष्टि संबंध क्या है? सृष्टि संबंध क्या है कि 1,70,64,000 वर्ष जब कल्प आरंभ हुआ तो मनुष्यों को, पशु पक्षियों, वनस्पतियों के रहने योग्य इस भूमि को बनने में, वसुंधरा बनने में इतना समय लगा। जैसे इस समय क्या है, चंद्रमा है, उस पर देखिए जीव नहीं है, बुध में बिल्कुल ही नहीं है, मंगल में है ही नहीं। क्यों? कि वहाँ वनस्पतियाँ, मनुष्य, पशु पक्षी आदि, इनके रहने के लिए वातावरण नहीं है। तो सृष्टि सम्मत और कल्प सम्मत में ये अंतर है। कल्प आरंभ हुआ 1,97,000,000 वर्ष पहले, सृष्टि हुई 1,95,000,000। आगे की गणनाएँ बहुत फिर लंबा समय हो जाएगा, यानी ऐसा हो गया। तो ये चल रहा है। अब हम आरंभ करते हैं त्रुटि से। पूरी ये प्रारंभ काल तक क्या स्थिति है? त्रुटि क्या है कि काल, ये जो सृष्टि है, जो कलयतीति काल है, सबका जो कलन कर रहा है, वो जो काल है उसकी सबसे छोटी सूक्ष्मतम इकाई है। क्या है? जैसे आजकल हम सेकंड देखते हैं, सेकंड का भी कुछ भाग दिखा देते हैं, टीवी वगैरह में दिखाते हैं ना, बहुत छोटा गिनते हैं। तो हमारे यहाँ दो प्रकार की इकाइयाँ हैं, एक है अमूर्त, एक है मूर्त, एक है सूक्ष्म, एक है स्थूल। तो ये सूक्ष्म इकाइयाँ हैं जिनका सामान्य मनुष्य से कोई संबंध नहीं है। त्रुटि क्या है? 33,750वां भाग है, यानी 33,750 त्रुटि का कालमान हो लेगा उसके बराबर एक सेकंड है, यानी उसका भाग, इतनी सूक्ष्म इकाई है। अब ये मानव के लिए तो है ही नहीं, मानव का मतलब जब मैं कहता हूँ सामान्य लोगों के लिए नहीं है, ये केवल विज्ञान में और आनंदमय कोश वालों के लिए है, मनोमय वाला भी इसको शायद नहीं जान पाएगा। इसी को कहा अमूर्त। अमूर्त का मतलब क्या होता है? जो आपका इंद्रिय गोचर नहीं है, इंद्रियों का विषय नहीं है, ये वो इकाई है। तो ऐसे त्रुटि से आप लीजिए, ऐसी त्रुटि का वर्णन भास्कर आचार्य ने किया है कि छोटी इकाई है। कहते 100 त्रुटि के बराबर एक तत्पर है, तत्पर उसके बाद की, और स्थूल इकाई, स्थूल का मतलब और जैसी नहीं, यानी त्रुटि से स्थूल इकाई है, और 30 तत्पर का एक निमेश, निमेश कहते पलक झपकने को, तो उसके दृष्टि, यानी पलक हम कब झपक जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता, तो इसलिए बहुत सूक्ष्म इकाई है निमेश। और 45 निमेश का एक अशु कहलाता है, अशु कहते हैं प्राण को, अर्थात एक स्वस्थ मनुष्य जितने समय में अपनी प्राण प्रक्रिया पूरी करता है उतने कालखंड का नाम अशु है। अब देखो ये अशु जो है इसके पीछे भी वैज्ञानिक सिद्धांत है। क्या है? जैसे पृथ्वी है वो सूर्य की परिक्रमा कर रही है, वो अब सूर्य की परिक्रमा जब करती है तो कितने अंश बनते हैं उसके? 360 अंश हैं। अब 360 जो अंश हैं उसके बाद क्या होता है, एक अंश में 60 कला हैं और एक कला में 60 विकला हैं। ये जो विकला है, यानी जो परिक्रमा पथ में एक भूखंड है, ठीक है जी, उतने समय में पृथ्वी जितना चलती है उसका नाम विकला है, और वो कितने समय में चलती है? एक अशु, ये काल का वाचक है, और वो किसका वाचक है? स्थान का वाचक है। अर्थात हम जो मनुष्य हैं, इनमें जो पूर्ण स्वस्थ मनुष्य है, जितेंद्रिय मनुष्य है, वो जब पूरी पृथ्वी अपने उसी स्थान पर घूम के आ जाती है, परिक्रमा कर लेती है वृत्त पर, तो 21,600 बार हम श्वास लेते हैं। इसके पीछे ये सिद्धांत है। तो हमारा जो ज्योतिष की बात हम करते हैं, ये प्रकाश के जो पुंज हैं, ये जो सृष्टि है, ये सारी क्या है? ये मानव और अन्य प्राणी, वनस्पति जगत, उन सब से ये जुड़ी हुई है। हम तो उसके बिल्कुल अधीन हैं, उसके अनुसार ही हैं। तो हम जो प्राण ले रहे हैं उसका आधार ये है, और ज्योतिष में इसलिए इसको अशु कहा है। यानी 21,600 अशु का अहोरात्र हुआ, अहोरात्र दिन और रात। अब सेकंड की बात आ गई थी, अब आधुनिक दृष्टि से मैं बता देता हूँ। त्रुटि, तत्पर,
निमेश अशु हो गया जी। अब हम आधुनिक दृष्टि से बता देते हैं कि सेकंड जो है 60 सेकंड का एक मिनट है। उसके बाद हमारे यहाँ घटी का वर्णन है, घटी जिसे घड़ी कहते हैं, दो घड़ी भगवान का ले नाम तू कहते हैं ना, घड़ी कह देते हैं, घटी मूल शब्द है घटी, यानी 24 मिनट की एक घड़ी, एक क्या होती है घटी है, क्या है घटी है, घड़ी है, दो घड़ी का मुहूर्त है जिसे कहते हैं ना, कितने उस मुहूर्त में ऐसा हुआ था, उसमें ऐसा हुआ था, पुराने लोग बोलते मिल जाएंगे किस घड़ी में ऐसा हुआ, कौन सी घड़ी ऐसी आई, तो वो घटी है, ठीक है जी। और दो घड़ी का क्या हो गया एक मुहूर्त, और 30 मुहूर्त का एक अहोरात्र, दिन और रात, 30 मुहूर्त का एक, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, दिन 15 का और 15 का, लेकिन दिन छोटे बड़े होते हैं, दिन रातें बदलती रहती हैं, इसलिए पूरा अहोरात्र की गणना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आप सब जानते ही हैं कि 15 अहोरात्र, 15 दिन रात का एक क्या होता है, चंद्रमा का पक्ष होता है, और दो पक्षों का एक मास होता है, और ऐसे 12 मास ना, दो मास की एक ऋतु, दो मास की एक ऋतु, 6 ऋतुएं होती है ना, तो अब जैसे वसंत ऋतु चल रही है, वसंत के बाद ग्रीष्म आदि, ये 6 ऋतुएं हैं, ऐसी जो है दो मास की 3 ऋतुओं का एक अयन है, उत्तरायण दक्षिणायन। सूर्य अभी 22 को उत्तरायण हुआ था, 22 दिसंबर को, ठीक है जी, तो उत्तर की तरफ अयन, वो 6 मास उत्तर की तरफ अयन करेगा, फिर वो 21 और 22 जून को दक्षिण अयन, दक्षिण की तरफ गमन करेगा। तो ये है दो अयन का एक वर्ष है। अब युगों की बात आती है, कलयुग, द्वापर, त्रेता, ऐसी बातें आती हैं, तो सामान्यतया लोग उन 4 युगों के बारे में जानते हैं। भारतीय जो गणना है वो बहुत सूक्ष्म दृष्टि से सृष्टि का अध्ययन करती है, यानी गिनती नहीं हो रही, प्रकृति की जो खगोल की जो अवस्थाएं हैं वो हैं ये सारी, उनके अनुसार है। अब जैसे पक्ष हैं, ये क्या है, चंद्रमा के प्रकाश के अनुसार है। मास क्या है, चंद्रमा पृथ्वी पर घूमता है 29.5 दिन, उसे एक अवधि का नाम है मास। ऐसे सूर्य के जो मास है वो कैसे हैं कि सूर्य जो घूम रहा है ना, पृथ्वी जो घूम रही है सूर्य के चारों तरफ, लेकिन हम व्यवहार में हम क्या करते हैं, सूर्य उदय अस्त, ऐसे सूर्य घूम रहा है, तो 12 भागों में बांट दिया 300 अंश को, और उसी हिसाब से जितना चलता है, ठीक है जी, 30-30 अंश चला, एक बिंदु पे पहुंचा तो मास हो गया, संक्रांति कहलाती है, और अब मास कह देते हैं। तो ये जितनी भी काल गणनाएं हैं इसके आधार पर हैं, तो ये सृष्टि की अवस्थाएं बता रही हैं कि कैसे सृष्टि चल रही है और क्या है। अब हमारे यहाँ 5 वर्षीय युग है एक, जब 5 वर्ष बीत जाते हैं सूर्य के तो क्या होता है, एक युग होता है। क्या है कि सूर्य और चंद्रमा 5 जहाँ से चले थे, जिस तिथि और नक्षत्र में थे, 5 वर्ष के बाद वो वहाँ मिलते हैं, पहले नहीं मिलते, क्योंकि दोनों की अलग अलग परिक्रमाएं हैं। तो जब हम पृथ्वी को केंद्र में मान करके देखेंगे तो 5 वर्ष के बाद उनकी युति होती है, अर्थात वो उसी नुक्ते पर, उसी बिंदु पर पहुंचते हैं, उसको 5 वर्षीय युग कहा। अब इनके परिणाम हैं भूमि पर, खगोल में इसके परिणाम हैं। उसके बाद आता है द्वादश वर्षीय युग, 12 वर्ष का युग। 12 वर्ष क्या है, जो बृहस्पति है ये 12 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा करता है। पृथ्वी का जो एक वर्ष है, पृथ्वी का जो एक वर्ष है सूर्य ना, ये बृहस्पति एक वर्ष में एक राशि की परिक्रमा में आता है, एक से दूसरी राशि में आने में उसको पृथ्वी, हम जो भूलोक वाले हैं उनका एक वर्ष लगता है, और पृथ्वी बृहस्पति का तो जब वो पूरी परिक्रमा कर लेगा, पूरा भ्रमण कर लेगा, तो उसका वर्ष होगा। लेकिन हम हर चीज़ की गिनती किससे करते हैं, पृथ्वी से रहते करते हैं, क्योंकि हम इसी पे रहते हैं, इसी से बने हैं, इसी के अनुसार सब कुछ है। तो जब सूर्य की एक परिक्रमा, एक भगण जब हो जाता है किसका, बृहस्पति का, तो वो 12 वर्षीय युग कहलाता है। अब बृहस्पति कितना बड़ा पिंड है, बृहस्पति का बहुत प्रभाव पड़ता है किसके ऊपर, पृथ्वी के ऊपर। जैसे चंद्रमा का बहुत क्यों है कि चंद्रमा बहुत निकट है हमारे, बहुत निकट है, बहुत छोटा, लेकिन चंद्रमा यदि नहीं हो तो आज के वैज्ञानिक भी कहते हैं कि इस भूमि पर ये जो वसु हैं,
ये जीवधारी हैं, मनुष्य पशु पक्षी वनस्पति आदि ये न होते, ये सब उसी के कारण हैं, उसी के कारण हैं। और हमारे यहाँ तो सब कुछ कहा है चंद्रमा ही, हमारा सब कुछ चंद्रमा के आधार पर प्रत्येक त्यौहार मनाते हैं, तिथियाँ कर रहे हैं, व्रत उपवास कर रहे हैं, सब चंद्रमा के आधार पर कर रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा हमें जीवन देता है। आयुर्वेद में लिखा है ना, दो इमो उपालयता चंद्र अर्कऊ, चर्क कहते हैं कि चंद्रमा और अर्क सूर्य यही इस पृथ्वी का सबका पालन पोषण कर रहे हैं। वहाँ केवल सूर्य नहीं कहा, सूर्य की अपनी भूमिका है, चंद्रमा की अपनी भूमिका, तो उस दृष्टि से ये चिंतन है। तो बृहस्पति जो है वो बहुत प्रभाव डालता है इस पृथ्वी के ऊपर, इसलिए 12 वर्षीय युग। अब 5 और 12 60 होते हैं, अर्थात 12 बार जब पंचवर्षीय युग आ जाएंगे, या 5 बार जब द्वादश वर्षीय युग आ जाएंगे, वो एक भौगोलिक अवस्था का नाम है। वो क्या है, षष्ठी वर्षीय युग, 60 वर्ष का युग। अब हमारा नव संवत आएगा, इस नव संवत जब आरंभ होगा तो उसका नाम होगा, इसका नाम नल आ रहा है, नल। तो ये क्या है कि बृहस्पति इन 60 वर्षों में, 60 जो बृहस्पति के क्या हैं, हमारे 60 वर्ष हैं, और बृहस्पति के तो कितने हैं, 5 हैं, ठीक है कि नहीं। तो उनके हिसाब से जो 60 भूमि के वर्ष हैं, हमने क्या कर दिया, उसका नाम दिया हुआ है, और उनके सबके फल हैं। क्यों कि जब चंद्रमा परिक्रमा करता है, शुक्ल कृष्ण रहता है, तो खगोल में स्थिति क्या होती है, पृथ्वी पर उसका प्रभाव पड़ता है, जैसे अमावस्या पूर्णिमा शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष का। ऐसे ही 5 वर्ष में जब एक बार दोनों मिलते हैं, सूर्य और चंद्र युति होती है, तो उस समय हमारी खगोल में स्थिति क्या होती है, उसका अलग प्रभाव पड़ता है। जैसे वर्ष पर आप देखो, एक तो हम दिसंबर में थे जब सूर्य उत्तरायण हुआ, कितना उत्सव मनाया, लेकिन सूर्य दक्षिणायन होगा उत्सव मनाते हैं क्या, हम उत्तर गोलार्ध वाले नहीं मनाते। क्यों, क्योंकि उस समय भूमि पर सूर्य की क्या स्थिति होती है, ऐसे ही भूमि पर चंद्र की क्या स्थिति होती है, हम हर कार्य पृथ्वी सापेक्ष करते हैं। तो वो जो खगोल में जो ये अवस्थाएं हैं, तो ऐसे 60 वर्षीय ये जो युग है, ये भूमि पर ये जो बरसातें होती हैं, बरसातों की बात कहते हैं ना, भविष्यवाणियां करते हैं, बरसातें होंगी, ये होंगी, कहीं कुछ आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है, तो उसमें खगोल में क्या स्थिति होगी, उसका आकलन किया जाता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, और हर वर्ष का नाम फिर उस क्रियाकलाप सृष्टि की जो अवस्था है उसके अनुसार उसका प्रभाव क्या है, उसका नाम दे दिया, और फिर वो उस वर्ष फल बताया जाता है, इस संवत का ये फल है, इसका ये फल है। उसके बाद जो हमारी गणना आती है कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग पर, ये लगभग सबने सुने हुए हैं। तो मनुष्यों के, हम जो भूलोकवासी हैं, इनके 432,000 वर्ष का क्या होता है, एक कलयुग है। अर्थात ये जो 7 ग्रह हैं, रवि, सोम और शनि तक 7 है ना, ये 7 ग्रह जब एक बार पूरी परिक्रमा करके उसी जगह पहुंचते हैं, इनकी युति होती है, ये कलयुग का काल है, ऐसा हमारे आचार्य कहते हैं। तो ये कलयुग 432,000 महीने और आपने नहीं बनाए, किसी ज्योतिष आचार्य नहीं बनाए, ये सारी व्यवस्था, जैसे कहा ना शुक्ल कृष्ण पक्ष में और आपने बना ही नहीं सकते, मास में और आप बना ही नहीं सकते, रात और दिन हमने किसको कहा, जो प्रकृति थी, प्रकृति की व्यवस्था थी, अवस्था थी, उसको देख करके हमने तो नामांकन कर दिया, ये सृष्टि को हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो कलयुग क्या है, 432,000 वर्ष का। जब 2 बार ऐसे 9 के 9 ग्रह 2 बार मिलते हैं तो द्वापर कहलाता है, 3 बार उसी जगह उनकी युति होती है तो त्रेता, और 4 बार जब युति होती है तो वो सतयुग कहलाता है। 432,000, 8,000, 64,000, ठीक है जी, और 12,94,092 जो बनेगा, और सतयुग 17,28,000 वर्ष का। इसको महायुग कहते हैं, लोक भाषा में हम चतुर्युगी भी कहते हैं, चतुर्युगी 4 युगों का समूह, इसको महायुग भी कहा जाता है।
ये है। अब ये जो महायुग है ये भी क्या है, ये अवस्था का नाम है, चतुर्युगी महायुग। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक महायुग में 43,20,000 वर्ष होते हैं, ठीक है जी, ऐसे होते हैं। जैसे राम कब हुए, त्रेता में, श्री कृष्ण कब हुए, द्वापर में हुए, उनसे आप गणना कर सकते हैं। तो उस हिसाब से ये चीज़ें चलती हैं। उस समय ग्रह नक्षत्र क्या थे, अब आगे क्या स्थिति बनती है, पहले तो क्या घूमा था, चंद्रमा पृथ्वी के घूम रहा था, अब फिर पृथ्वी सूर्य के घूम रही थी, हमारा वर्ष बन गया। अब क्या है, सूर्य भी हमारी जो आकाशगंगा है, निहारिका है, उसके केंद्र बिंदु जो धनु राशि के पास है, उसकी परिक्रमा कर रहा है। वो सूर्य कितने हैं, 71 महायुग, 71 चतुर्युगियां, जो लगभग 32 करोड़ वर्ष के करीब बनते हैं। वो गणना आप कर लेंगे जो मैंने बताई थी, 43,20,000 को 71 से गुणा कर लीजिए तो लगभग 32 करोड़ वर्ष के, अर्थात हमारा जो सूर्य है वो जब अपना भगण पूरा करता है, अर्थात अपने आकाशगंगा के केंद्र में जो धनु राशि के पास केंद्र है उसकी परिक्रमा कर रहा है, जिसमें 1 खरब तारे हैं, जो सूरज से बड़े भी हैं और छोटे भी हैं, अर्थात इतने सूरज हैं, ये भी घूम रहा है उसमें अपने पूरे परिवार के साथ, सौरमंडल के साथ, उसका नाम मनु है। उसका नाम क्या है, मनु है। तो उसको क्या कहा, काल की दृष्टि से क्या कहा, मनु अंतर मनुअंतर, मनु अंतर मनुअंतर, ये कहा। तो ऐसे 14 मनु हैं, कितने मनु हैं, 14। अब ये जो हमारा कल्प चल रहा है उसमें 14 मनु हैं, हर कल्प में 14 मनु होते हैं। ये जो हमारा कल्प चल रहा है, मैंने कहा था ना 1,97,000,000,000 वर्ष इसके बीत चुके हैं, तो इसमें क्या है कि 14 मनु में 7वां मनु चल रहा है हमारा, कौन सा चल रहा है, 7वां चल रहा है। 7वें मनु में अब बताया आपको कि सतयुग जा चुका, त्रेता जा चुका, द्वापर, कलयुग चल रहा है, तो ये बोलो 28वां कलयुग चल रहा है। कलयुग कितने हैं, 71 होने चाहिए ना एक मनु में, तो 28 सतयुग जा चुके, ठीक है जी, 28 त्रेता और 28वां कलयुग है। इसलिए हम वो पढ़ते हैं ना, तत्सद ब्रह्मणों द्वितीय प्रारहदे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे, हमारे इस मनु का नाम वैवस्वत है 7वें का, और इसका जो 28वां कलयुग चल रहा है इसमें होने कितने हैं, 71 कलयुग होने हैं, ठीक है जी। तो ये चल रहा है, और उसमें अब कलयुग में भी, कलयुग यानी ईसा से 3,102 वर्ष पहले आरंभ हुआ था, आधुनिक गणना के अनुसार करें तो, अर्थात 5,123 साल कलयुग को बीत चुके, 24वां साल चल रहा है। ये कलयुग की गणना, जो कहते ना 21 पीछे कहते थे 21वीं शताब्दी आएगी, ये आएगी, अरे 21वीं शताब्दी, इतनी छोटी गणना करते हो, यानी जो कुछ है वो गिनती कहां से, ईसा से कर रहे हैं, क्या कहेंगे बिफोर ईसा आफ्टर ईसा। हमारे यहाँ कितना उत्तम चिंतन है, सृष्टि के आधार पर है, इसका मतलब वहाँ चिंतन कम हुआ होगा, तो उनके लिए मानदंड ईसवी सम्मति हो गया बस। ये क्या है, ये कलयुग चल रहा है, कौन सा 28वां, कौन सा 7वें मनु का, आगे बात समझ में। तो 14 मनु हैं, 7वां चल रहा है इस कल्प का हमारा, और अभी देखिए ये पूरा होगा, और 71 बार कितना आएगा सतयुग, 71 बार त्रेता द्वापर कलयुग आएंगे, तब ये मनु पूरा होगा, और फिर आधा समय होगा, और फिर 7 मनु और होंगे। तो ऐसे 71 जब मनु पूरे हो जाते हैं, 71 चतुर्युगियां जब पूरी हो जाती है तो एक मनु होता है। तो आज मैंने बताया 7वां चल रहा है हमारे कल्प का। अब क्या करते हैं आगे, जब एक मनु से दूसरे मनु का आरंभ होता है, उनके बीच में एक कालखंड आता है जिसमें पूरी पृथ्वी पर जल प्लवन होता है। क्या होता है, जल प्लवन ही होता है, जैसे कामायनी का मैं आपने पढ़ा है, हैं जयशंकर प्रसाद ने लिखा, ये कहाँ से आया, शतपथ ब्राह्मण में इसका वर्णन है। किसमें है, शतपथ ब्राह्मण में वर्णन है, वो नौका
वो मनु और वो मछली और वो लेगी, ये क्या है? वो है कि एक मनु से दूसरे मनु का संधि काल एक सतयुग है। कितना है? एक सतयुग, यानी 17,28,000 वर्ष का। इतने समय इस पृथ्वी पर केवल जल ही जल होगा, यानी हम कहाँ होंगे? खगोल की उस स्थिति में होंगे। हमारा सूर्य अपनी आकाशगंगा के उस स्थिति में होगा कि जहाँ इस भूमि पर कुछ भी नहीं होगा। फिर ये ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगी 17,28,000 वर्ष के बाद, एक सतयुग के बाद फिर दूसरा मनु शुरू होगा। तो ऐसे ये कितने मनु होंगे? 14 मनु होते हैं जी। अब जो 14 मनु हैं, 14 मनु, और इन मनुओं को जोड़ने के लिए 15 क्या हैं, यानी मनु के आरंभ में सतयुग और मनु के अंत में सतयुग। तो 14 के आरंभ और अंत में 15 सतयुग होते हैं। ये 15 सतयुग का जो योग बनता है वो 6 महायुग बनता है। क्या बनता है? 6 महायुग बनता है। और उधर 14 मनु को 71 महायुग से करते हैं तो 994 महायुग बनते हैं। तो 994 जमा 6, 1000 महायुग, 1000 चतुर्युगी। ये क्या है? ये कल्प है, 1000 महायुग का कल्प है, ठीक है। यानी कलयुग क्या है? 4,32,000 का, जो एक बार सातों ग्रह घूम करके जहाँ से चले थे वहीं पहुँचते हैं, दो बार पहुँचते हैं द्वापर, तीन बार त्रेता, ये सारा महायुग 43,20,000 का, ठीक है जी। ऐसे 71 महायुग जब बीत जाते हैं तो एक मनु होता है। ऐसे 14 महायुग और एक से दूसरे मनु के बीच में क्या है? सतयुग का संधि काल है। तो वो 15 सतयुग का जोड़ बनता है 6 महायुग, और 71 गुणा में 14, 71 महायुग और 14 मनु, 994, यानी 1000 चतुर्युगियां। तो 1000 की क्या है? तीन बिंदु लगा दीजिए किसके आगे? 43,20,000 के आगे। तो क्या बनते हैं? 4,32,000,000,000 वर्ष बनते हैं। ये क्या है? कल्प कहलाता है। ये हमारा कल्प चल रहा है। कल्प के अभी तक कितने बने? 1,97,000,000,000 मैंने बताया था, आगे मैं गिनती बता नहीं रहा हूँ, देख लेंगे लोग, विस्तार हो जाएगा, ठीक है। इतना बीत चुका है वर्तमान कल्प का। इसको अब हम ब्रह्म, जो विराट पुरुष की जो बात कर रहे थे, उसका दिन माना जाता है। क्या माना जाता है? दिन माना जाता है। जैसे शुक्ल पक्ष क्या है? हमारे पितरों का, और कृष्ण पक्ष दिन और रात माना जाता है। ऐसे उत्तरायण देवताओं का दिन और दक्षिणायन देवताओं की रात्रि। ये देवता और पितर ये कोई चीज़ें नहीं हैं। ये क्या है? सृष्टि की व्यवस्था को, अवस्था को, स्थिति को समझने के ये केवल क्या हैं? गुण धर्म के आधार पर ये इनके नाम दिए गए हैं। तो ऐसे ही और बड़ा समझने के लिए, जैसे प्रकाश वर्ष, आज के वैज्ञानिक जब गणना करो खत्म हो जाएंगे, तो प्रकाश वर्ष क्या है? 60 खरब मील। एक वर्ष में प्रकाश कितनी दूर चलता है? 60 खरब मील चलता है। तो उस इकाई का नाम एक वर्ष दे दिया, उसके बाद गणना, तभी तो वो दूसरे नक्षत्रों तक पहुंच रहे हैं, जिन्होंने आकाश गंगाएं तक जान ली, आकाश में दूरबीनें स्थापित कर ली आज के वैज्ञानिकों ने। तो ऐसे ही हमारे पूर्वजों ने जो सृष्टि को जानना चाहते थे, आने वाली पीढ़ी के लिए सृष्टि की व्यवस्था समझाना चाहते थे, उन्होंने कहा कि ये जो कल्प है ये सृष्टि कहलाती है, ये ब्रह्मा का दिन है। इतने समय ही प्रलय होता है। सृष्टि और प्रलय दो सुना ना, सृष्टि और प्रलय, अर्थात जिस समय इस भूमि पर ये वनस्पति, पशु पक्षी आदि हैं, ये क्या कहलाता है? ब्रह्मा का दिन है, सृष्टि कहलाती है। इतने समय यहाँ प्रलय होता है, अर्थात कुछ भी नहीं होता। वेद का ऋषि वहाँ नासदी सूक्त में कहता है, गहनम गभीरम कुहु कस्य सरमन, और वो कहता है कि उस समय प्रकाश था कि नहीं, अंधकार था कि नहीं, क्या था कि कुछ भी नहीं पता। क्यों? क्योंकि हम तो उस समय होते ही नहीं,
हम किसी चीज़ को कैसे बता सकते हैं कि वो चीज़ कैसी है जिसके बारे में ज्ञान हो? तो प्रलय के समय जीव होते ही नहीं है। तो नासदीय सूक्त में वेद का ऋषि कहता है कि उसमें क्या था कुछ भी नहीं कह सकते, वो धूम है, ये क्या है, क्या था क्या नहीं था, कुछ भी नहीं। तो वो ब्रह्मा की रात्रि कहलाती है। तो 4,32,00,000 वर्ष, 8,64,00,000 वर्ष बने, ये ब्रह्मा का एक अहोरात्र है। ब्रह्म का क्या है? अहोरात्र। तो ब्रह्मा नाम की कोई चीज़ ऐसा नहीं, ये गणना के लिए, सृष्टि की अवस्था बताने के लिए कि सृष्टि क्या है, कैसे चलती है। तो इतने समय दिन रात, अहोरात्र दिन रात हो गया, जैसे हमारा दिन और रात, ऐसे ब्रह्मा के 30 दिन। ब्रह्मा का क्या हुआ? 1 मास। ऐसे ब्रह्मा के 12 मास। ब्रह्मा का क्या हुआ? 1 वर्ष। अब हम मनुष्यों की कितनी आयु, हम क्या कहते हैं, मध्यमान क्या मानते हैं कि मनुष्य की आयु सामान्यतया 100 है। कम ज़्यादा अलग बात है, हो रही है, लेकिन सामान्यतया क्या मानते हैं कि मनुष्य की शतायु 100 वर्ष मनुष्य की है। उससे कोई 10-15 दिन फालतू जी गया और कोई 10-15 साल पहले चला गया, रोगियों की उनकी बात छोड़िए, 100। ऐसे ही ब्रह्मा की आयु हम मनुष्य मान रहे हैं क्या, कि भाई 100 वर्ष है। कितनी है? 100 वर्ष। आगे बात समझ में आई? 8,64,00,000 वर्ष ब्रह्मा का 1 दिन, ऐसे 30 दिन का 1 मास, ऐसे 12 मास का 1 वर्ष, और ऐसे 100 वर्ष है किसकी आयु? ब्रह्म की आयु। इसका नाम है परांत काल, ये मुक्ति का समय। हमारे यहां मुंडक उपनिषद में लिखा ते है परांत काले। परांत काल में योगी जो हैं वो अमृत का आस्वादन करते हैं, अर्थात परमात्मा की अमृतमयी गोद में अपने सूक्ष्म शरीर के माध्यम से, हैं जी, सूक्ष्म इंद्रियों से स्वर्गीय अनुभूतियों का आनंद लेते हैं। तो अर्थात मनुष्य की, अब देखो मानव वर्ष की दृष्टि से बताओ कितने वर्ष हुए, 36,000 बार सृष्टि उत्पत्ति और प्रलय, 36,000 बार सृष्टि उत्पत्ति और प्रलय, अर्थात ब्रह्मा का दिन और रात 36,000 बार दिन और रात होंगे। तो ब्रह्मा का दिन होगा तो उत्पत्ति होगी, और ब्रह्मा की रात्रि होगी तो प्रलय होगा। ऐसा 36,000 बार जब होता है वो ब्रह्मा के 100 वर्ष हैं, उतना मुक्ति का काल है। तो इतना बड़ा जन्म मरण के बंधन से छुटकारा, ये संसार के ताप, मेरी प्रमोशन नहीं हुई, मेरी नौकरी नहीं लगी, इसको तो कुछ आता ही नहीं था, इसको अच्छा पद मिल गया, उसने बढ़िया मकान बना लिया, उसके तो बच्चे योग्य हैं, मेरे अयोग्य रह गए, जो भी चीज़ें हैं संसार में भाव और अभाव, ये संसार के ताप माने हैं दर्शन शास्त्र में, हैं जी। और वो जो दर्शन शास्त्र मुक्ति की बात करता है वो ये है। तो सृष्टि के माध्यम से हमारे यहाँ ये समझाने का प्रयास है। अब मैं समाप्त करता हूँ इस बात को, छोटे रूप में इसको जानेंगे तो क्या है, इसको 5 मंडलों में जान लेंगे। अच्छा सुनो, ये भी नहीं है, ये भी आगे चिंतन है भारतीय परंपरा में। ये जो ब्रह्मा है, इसका इस समय वर्तमान जो ब्रह्मा है, मैंने बताया था ना श्वेत पराकल्प, इसके 50 वर्ष पूरे हुए हैं। 50 वर्ष ब्रह्मा के पहले पूर्वार्ध और उसके बाद अपरार्ध, तो परार्ध कहते हैं। तो यहाँ क्या कहा था, ब्रह्मणों द्वितीय परार्धे, प्रथम परार्ध और द्वितीय परार्ध, तो द्वितीय परार्ध। अब हम ब्रह्मा की जो आयु है उसके 51वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। जैसे मैंने बताया था ना कि हम अपने मनवंतर के 7वें में चल रहे हैं, कलयुग के 5123 के 24वें चल रहे हैं, 23 बीत चुके हैं। ऐसे ही कल्प का 1,97,000,000,000 वर्ष। अब कल्पों के बाद महाकल्प, जिसे हम परांत काल कहते हैं, ब्रह्मा की 100, उसके 50 वर्ष बीत चुके हैं, उसका 51वां वर्ष चल रहा है। और उसमें भी क्या होता है, जो मास है ना 30 दिन है, तो 30 क्या हैं, जो 30 दिन हैं अहोरात्र जिन्हें हम कहते हैं ब्रह्मा के, उनका क्या है नाम है, तो उसका इस कल्प का नाम क्या है, श्वेत वराह कल्प। कल्पों के भी नाम हैं। तो अब जो हमारा चल रहा है वो हमारे, वो जो ज्योतिष की गणना आती है, जो
बोलते हैं कर्मकांड के समय श्वेत वराह कल्पे, श्वेत वराह कल्प में चल रहे हैं। इसका कौन सा चल रहा है श्वेत वराह कल्प का? फिर आगे बताया था वैवस्वत मनु, एक कल्प में कितने मनु हैं? 14 हैं। एक मनु में 71 महायुगियां हैं, तो 71 महायुग में 28 सतयुग, 28 त्रेता, 28 द्वापर चल चुके, 28वां कलयुग चल रहा है। 28 कलयुग का, कलयुग की फिर गणना आती है, कलयुग के 5124वें कलयुग में, उसमें कलयुग में भी क्या है फिर हमारी गणनाएं हैं, विक्रमदत्त, विक्रमादित्य का वर्ष, विक्रम संवत्सरे, विक्रमादित्य के संवत में कौन सा चल रहा है? अब ये बोलो, फाल्गुन मास चल रहा है, अब ये चैत्र आएगा, उस दिन कौन सा पक्ष है, न कौन सा मास है, उसका कौन सा पक्ष है, कृष्ण पक्ष है, शुक्ल पक्ष है, उसकी कौन सी तिथि है, उस तिथि में कौन सा नक्षत्र चल रहा है, कौन सा कालखंड चल रहा है, उस समय मैं अमुक यज्ञ कर रहा हूँ, अमुक ये कर रहा हूँ, आपको पुरोहित के रूप में वर्णन कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें ऐसे ही स्थान का वाचक है, भूलोक ऐसे सारा आएगा। तो आज हम ज्योतिष की बात कर रहे हैं, तो ये ब्रह्मा का क्या है, 50 वर्ष बीत चुके हैं, प्रथम प्रारब्ध बीत चुका, द्वितीय प्रारब्ध का श्वेत वराह कल्प चल रहा है, और उसमें श्वेत वराह कल्प में मैंने आपको बताया ही, तो ये है। अब इसको हम संक्षेप करते हैं, समाप्त कर रहे हैं, ये क्या है सृष्टि की अवस्था, क्या है, 5 मंडल हैं, 5 परिमंडल हैं, एक है चंद्र परिमंडल। चंद्र परिमंडल क्या है, चंद्रमा अपने आश्रय कौन, पृथ्वी, उसको घूम रहा है, ठीक है, एक हमारा वो सृष्टि है, सृष्टि क्रम है। दूसरा क्या है, पृथ्वी मंडल, पृथ्वी क्या कर रही है, अपने सूर्य की परिक्रमा कर रही है, उसको हमने कालखंड दे दिया, है तो सृष्टि की व्यवस्था, अवस्था विशेष का नाम है, उसको दे दिया। उसके बाद क्या है, सूर्य क्या कर रहा है, अपनी आकाश गंगा के बोलो धनुराशि के पास जो केंद्र है उसकी परिक्रमा कर रहा है, खरबों आकाशगंगा में, अरबों नहीं खरबों तारे बताए, छोटे भी हैं बड़े भी हैं, वो हो गया हमारा कौन सा, सूर्यमंडल, ठीक है जी। अब है हमारी आकाशगंगा, सब आकाशगंगाओं के साथ मिलकर के जिस बिंदु की परिक्रमा कर रही है उसका नाम है परिवेष्ठी मंडल। आकाश गंगाएं भी खरबों हैं, कितनी बड़ी सृष्टि है आप लगाओ अंदाजा, वो है। और उसके बाद है जो स्वयंभू मंडल, उसका नाम है स्वयंभू, न क्या कहते हैं, परमेष्ठी मंडल, परमेष्ठी मंडल जो है स्वयंभू मंडल की परिक्रमा कर रहा है, ये स्थिति है। संक्षेप में इसको यूं जान लें तो, मान्य सज्जनों, ये जो हमने चिंतन किया ये त्रुटि से परांत काल का चिंतन था, इसमें हमने और आगे और गणना आचार्यों की कि जो ब्रह्मा बताया परांत काल जिसका समय है, ऐसे अलग ब्रह्मा अपनी सृष्टि रचना फिर करते हैं, एक ब्रह्मा के बाद दूसरी, तो ब्रह्मा का मतलब ये नहीं कि एक मनुष्य के बाद दूसरी, मतलब क्या हुआ कि ये सृष्टि अनंत है और एक कालखंड के बाद, एक भौगोलिक स्थिति के बाद, एक खगोलीय स्थिति के बाद जो स्थिति बनती है, वो नई जो स्थिति है उसका नाम ब्रह्मा है। ब्रह्मा व्यक्ति का नाम या किसी चीज का नाम नहीं है। तो एक ब्रह्मा का जो पूरा काल हो जाता है, 100 वर्ष हो जाते हैं, फिर नई सृष्टि होती है। और ऐसे ये अनादि क्या है, ये प्रवाह से अनादि है। इसको हमारे आचार्यों ने क्या कहा, ये जो सृष्टि है ये प्रवाह से अनादि है, प्रवाह क्या है, कभी रुकता नहीं है, तो ऐसे ये चलती रहती है। जब हम इस सृष्टि को, इस व्यवस्था को जानेंगे त्रुटि से लेकर के, जो सेकंड का 33,750वां भाग है, और कहाँ परांत काल, यानी परांत काल क्या है, 31 नील 10 खरब और 40 अरब वर्ष बनते हैं ये परांत काल के, 36,000 वर्ष सृष्टि उत्पत्ति यदि मानव वर्षों में गिनती करेंगे तो, और फिर अगला ब्रह्मा। तो ऐसे जब हम जानेंगे उसका नाम है विराट पुरुष, जिसने इतने विराट ब्रह्मांड की रचना की है, और वो उसको देख रहा है, व्यवस्था देख रहा है। जब वो हम जानेंगे तो उसमें हमारी क्या स्थिति है, हमारे जीवन के वर्ष कितने हैं, जिनके लिए हम छल कपट कर रहे हैं, ईर्ष्या द्वेष कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आज रावण है क्या, आज कंस है क्या,
भारत में भी आज़ादी के बाद जो जुर्म हुए आपको पता ही है जो हुए, उसके पहले मध्ययुग में विदेशी आक्रमणकारी आए, उन्होंने कैसे जुर्म किए, जिनको जो मिल गया, कहाँ है कालखंड में क्या चीज़ें हैं। तो हमने उस विराट पुरुष की गोदी में कैसे बैठे, कहाँ ऐसे हम परांत काल पर्यंत 36,000 बार सृष्टि उत्पत्ति प्रलय हो तब तक हम इन ताप से बचें, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। ये चीज़ें आएंगी जाएंगी, असत्य नहीं है, ये माया, ये छल नहीं है, ये सत्य है। संसार इसके सहारे हम जी रहे हैं, लेकिन ये हम पर प्रभावी न हो जाएं, ये हमारे लिए हों और अपनी जीवन यात्रा करते हुए हम धर्म अर्थ काम करते हुए मुक्ति तक पहुँचें, जन्म जन्मांतर लग जाते हैं। आचार्य शंकर, आचार्य दयानंद, उससे पहले ऋषि मुनि के एक जन्म की साधना थी, महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी हैं जी, ये जन्म जन्मांतरों की है। जैसे विदेह थे, विदेह थे ना वो, तो देह अभिमान जिनमें नहीं था, तो हम देह अभिमान को छोड़ें। देह का मतलब ये जितनी चीज़ें हैं, ये मेरी, मैं इससे बड़ा हुआ नहीं, ये वस्तु मेरे लिए हैं। जब ये चीज़ आ जाएगी तो हम सृष्टि को समझ पाएंगे। तो भारत में जो ज्योतिष है वो इस चीज़ का नाम है। अब इसका कैसे क्या प्रभाव पड़ता है दैनिक जीवन में, वो अगले व्याख्यान में उस पर हम चिंतन करेंगे।